क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कमाई नहीं हो पाती, या फिर आपके पास जो भी पैसे आते हैं वो टिकता नहीं है? इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ मनी ब्लॉकेजेस है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लेने से रोक रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसानी से होपोनोपोनो प्रेयर करके आप अपनी मनी ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मनी क्या है। मनी वो नहीं है जो आपके हाथ में वो नोट के रूप में है, मनी वो है जो एक एनर्जी है। एनर्जी उसकी एक क्वालिटी है कि वो उसी तरफ जाएगी जहां उसे वो अट्रैक्शन मिलेगा या जहां पे उसकी उसका वेलकम होगा। लेकिन जब हम अपने अंदर नेगेटिव ब्लॉक्स बना कर रखते हैं, पैसों के लेकर कुछ गलत धारणाएं रखते हैं, तो वहां पे एक ब्लॉकेजेस बनने लगती है। और कहते हैं ना कि लक्ष्मी उसी घर में जाएगी जहां उसका वेलकम होगा। उस घर में वो कतई नहीं जाती है जहां पर उसे नहीं समझा जाता, जहां उसकी सम्मान नहीं किया जाता और जिसको उसे नकारा जाता है। कैसे नकारा जाता है? लोग अपनी मेंटल ब्लॉकेज से अनजाने में करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं आता। सो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसे प्लीज इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आज मैं आपको होपोनोपोनो प्रेयर मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए कैसे करना है उसके बारे में सिखा भी रहा हूं और आपको 5 मिनट्स का एक पूरा प्रेयर करवाऊंगा, सो दैट आपकी ब्लॉकेजेस आज से ही क्लियर होना शुरू हो जाए। आज हम जानते हैं 7 डिफरेंट मनी ब्लॉकेजेस जो हम लोग खुद अनजाने में क्रिएट करते हैं। सबसे पहला मनी ब्लॉक है, पैसा बड़े मुश्किल से आता है। जब हम ये शुरू से सुनते हैं कि पैसे जो है वो पेड़ पे नहीं उगता, जब शुरू से सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर माइंड में ये बैठ जाता है कि अमीर वही बन सकता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है और ये बड़ी मुश्किल से आता है। इसीलिए नॉर्मली हमारा माइंड जो है वो उस कंफर्ट की तरफ जाता है और वो नॉर्मल नौकरी की तरफ जाएगा, छोटे मोटे काम की तरफ जाएगा, जिससे हम बहुत सारा पैसा न कमाएं, क्योंकि हमने पहले सोच रखा है क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। जबकि इसके उलट आप अगर पॉजिटिव वे में ये सोचना शुरू करें कि पैसा आप भी कमा सकते हैं, आसानी से कमा सकते हैं और यूनिवर्स आपको देगा, तो वैसे ही आपके जीवन में पैसा बढ़ने लगेगा। वो कैसे होगा? होपोनोपोनो से, वो हम आगे सीखेंगे। ब्लॉक नंबर 2, मेरे पास जितना है उतना काफ़ी है। ऐसा मैंने अक्सर बहुत लोगों को देखा है और वो लोग ऐसे ही होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी लाइफ में पैसे नहीं हैं, लेकिन जब पूछो कि आपको पैसे कमाने हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। अगर पूछे कि आप संतुष्ट, बोलेंगे हाँ भगवान ने बहुत दिया है, हम खुश हैं। लेकिन जैसे ही बोलेंगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपने ऊपर लगाने हैं, आपको इन्वेस्ट करने हैं या फिर आपको ये कोर्स लेना है, तो वो बोलेंगे कि अरे ये तो पैसा नहीं है, अरे हमें उनसे पूछना पड़ेगा। एंड देन फिर हम बोलते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो बोलते कि नहीं चल रहा है लेकिन उतना नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर सके। तो मैं बोलता हूं कि ये आपका मेंटल ब्लॉकेज है, क्योंकि आपने खुद ही कह रखा है कि मुझे और नहीं चाहिए। और जब आप ऐसा कहते हैं, इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूंगा कि जब आपको लक्ष्मी खुद टीका करने आ रहे हैं तो आप मुंह धोने जा रहे हो, बोले कि मुझे लक्ष्मी का स्वागत नहीं करना। इसीलिए जब आप अपने माइंड में इस टाइप की चीजें सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो, तो उसे आपने छोड़ देना है, क्योंकि इसी वजह से आपके पास लक्ष्मी नहीं आ रही, पैसे नहीं आ रहे। तो इसे ब्लॉक को कैसे उतारना है, कैसे छोड़ना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मनी ब्लॉक नंबर 3, मैं बहुत सारा पैसा हैंडल नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रहा था कि जब मैं धीरे धीरे कुछ पैसे कमाने लगे, जो सैलरी मिल रही थी उससे कुछ ज़्यादा होने लगे, तो मैं सोचने लगा कि पैसे तो बहुत अच्छे हो रहे हैं क्योंकि कंपैरेटिवली मैं बेटर कर रहा हूं। लेकिन माइंड में ये होता, क्योंकि मेरा माइंड में पहले से था हम ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकते, या फिर कमाएंगे तो हमें वो टैक्स देना पड़ेगा, बड़े लोगों को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। ऐसा सोचते सोचते माइंड में एक ब्लॉक बन गया कि नहीं, बहुत सारा पैसा नहीं कमाना, अभी थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, इतना ही काफी है। ऐसे कई वर्षों तक चलता रहा कि हम थोड़े से बेटर तो कर रहे थे, बाकी लोगों से अच्छा तो कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने मेंटल ब्लॉक बना रखा था कि बहुत सारा पैसा हम हैंडल नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये मनी ब्लॉक अपने माइंड से क्लियर किया, तो धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगी और मेरे मन में लगने लगा कि हाँ, मैं ये हैंडल कर सकता हूं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऊपर वाला चाहते हैं कि मैं एबंडेंस में जीऊं। सो ये ब्लॉक आपको भी क्लियर करना है। ब्लॉक नंबर 4, पैसा बुराई की जड़ है। ये बहुत लोगों के मन में होता है, जो भी अभी कमतर जी रहे हैं, पैसे कमी में जी रहे हैं और वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो लोग बोलेंगे पैसा बुराई की जड़ है। जो लोग ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वो लोग ज़रूर कुछ न कुछ गलत कर रहे होंगे। और हमेशा ये माइंड में रहने से, क्रिटिसाइज करने से, दूसरों के लिए गलत सोचने से, उनका अपना ब्लॉकेज होता है और वो
चाहकर भी पैसे नहीं कमा पाते और उनके सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उन्नति करने के रास्ते हैं, सब बंद पड़ जाता है। इसलिए इस ब्लॉक को भी छोड़ना ज़रूरी है। ब्लॉक नंबर 5, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत ऐसी चीज़ हो गई जो रेयर हो रहा है। लगता है कि जैसे जो बहुत अमीर होते हैं, मिलियनर बिलियनर, सिर्फ वही लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने जो भी इनकम है, मान लो कि आपको इनकम मिलती है 50,000 रुपीज़, उसमें से आप 30-35,000 अगर आप खर्च करते हो और उसमें से कुछ बचा पाते हो, उसे आपको जमा कर सकते हो, तो कुछ ही वर्षों में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। मान लो कि आप 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 कमाते हो, तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। उसके लिए आपको करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों की मेंटल ब्लॉकेज की वजह से लोगों को लगता है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम हम नहीं ले सकते, इसीलिए वो हमेशा या तो वो नौकरी करते रहते हैं या तो कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। इसलिए इस ब्लॉकेज को भी दूर करना जरूरी है। ब्लॉक नंबर 6, पैसा आता तो है लेकिन चला जाता है। ये उन लोगों की मेन प्रॉब्लम है जो लोग सही तरीके से फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हैं और अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। वो लोग न जानते हैं कि पैसे को कैसे खर्च करें, कहाँ ना करें, और न ही वो जानते हैं कि सेविंग कैसे करें, धीरे धीरे पैसे बढ़ाकर इन्वेस्ट कैसे करें। और उनके हाथों में जैसे ही आता है वो इमीडिएटली खर्च करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं पुअर मैंस मेंटालिटी। इसीलिए उन लोगों को अपने ब्लॉकेज को दूर करना चाहिए कि नहीं, पैसा आएगा तो उसमें से खर्च करने के बावजूद भी पैसा बच सकता है और उसी पैसे को धीरे धीरे जमा करके हम वेल्दी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। ये ब्लॉकेज अगर निकल जाए तो डेफिनेटली आप पैसे को बचा भी सकते हैं और कल जाके प्रॉस्पर भी हो सकते हैं। ब्लॉक नंबर 7, मैं पैसे के लायक नहीं हूं। सो ये उन लोगों की सोच होती है जो बहुत ही कमतर में रह रहे हैं, या तो वो अनएम्प्लॉयड है या तो वो छोटा मोटा काम कर रहे हैं और उनकी सोच में बस दाल रोटी ही है। बस आज दिन भर का खाना हो जाए, एक हफ्ते का हो जाए, एक महीने का हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं सोच पाते और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। इन 7 मनी ब्लॉकेज में से आपके अंदर कुछ भी मनी ब्लॉकेज है अगर, तो उसे कैसे आप आराम से बैठकर पॉजिटिव भाव से उस पर्टिकुलर ब्लॉकेज के बारे में सोचते हुए कि वो दूर हो जाए और आपके घर में पॉजिटिविटी आए, प्रॉस्पेरिटी आए, लक्ष्मी माँ आपके घर में रह जाए, इसके लिए आपको एक होपोनोपोनो प्रेयर अभी मैं सिखा रहा हूँ, उसे आपको करना है। और सिर्फ दिन में 5 मिनट भी आपने कर लिया, अगले 30 दिनों में आपको बहुत सारे चमत्कार नज़र आएंगे, बहुत सारे पॉजिटिविटी नज़र आएगी और लगेगा कि लाइफ में अब सब कुछ अच्छा हो रहा है और प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल है। सो अभी हम लोग इस चीज़ को करते हैं। देखिए, आज हम होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बात कर रहे हैं। होपोनोपोनो हवाई आइलैंड में एक प्रैक्टिस करने वाली एक ऐसी प्रेयर है जिसे वो थेरेपी के रूप में या हीलिंग के रूप में लेते हैं, जिससे वो अपनी बीमारियां भी दूर कर सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और फाइनेंशियली अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। और आज हम बात करेंगे मनी ब्लॉकेज को दूर कर अपने आप को प्रॉस्पर करने के लिए। तो इसमें 4 फ्रेजेस होते हैं। पहला फ्रेज है I am sorry का मतलब है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे इन ब्लॉक्स की वजह से मुझे प्रॉस्पर होने में दिक्कत हो रही थी, मेरे जीवन में पैसे नहीं आ रहे थे। इसीलिए जब हम जिम्मेदारी लेते हैं और समझते हैं कि ये ब्लॉकेज मेरा है, तो ऑफकोर्स उसे हम दूर कर सकते हैं। अभी उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ आप भी करना। मेनली ये जो आई एम सॉरी है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप ले रहे हो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, और मनी से बोल रहे हो, पैसे से बोल रहे हो, लक्ष्मी से बोल रहे हो आई एम सॉरी। अब आपने उनसे माफ़ी मांगनी है, पहले जिम्मेदारी ले ली, अब दूसरे में होगा प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं अनजाने में गलत कर रहा था, गलत सोच रहा था। अब मैं पूरी तरह से ओपन हूँ, अभी आप जो भी आप मुझे दोगे मैं उसे स्वीकार करूँगा और जितना देना चाहे दो, क्योंकि एबंडेंस मुझे चाहिए। एंड देन थर्ड फेज है थैंक यू वेरी मच, जो ऑलरेडी आपने बहुत कुछ दिया हुआ है, और थैंक यू वेरी मच जो अब आप मुझे भर भर के देने वाले हैं। एंड देन लास्ट में बोलेंगे आई लव यू, क्योंकि उनका वेलकम करना है, उनको अपने साथ रखना है, अपने घर में रखना है, अपनी एनर्जी में अपने साथ में रखना है, इसे उसे प्यार करना है, उसे वो प्यार का एहसास दिलाना है कि आई लव यू। सो आज हम इस पर्टिकुलर 4 फ्रेजेस के साथ मनी को एड्रेस करते हुए ये होपनोपनो प्रेयर करेंगे। अब आप मेरे साथ इसे क
कर सकते हैं। इस प्रेयर को प्रैक्टिस करने के लिए हम मनी को एड्रेस करेंगे, कहेंगे डियर मनी, उसके बाद 4 फ्रेजेस को हम रिपीट करेंगे। ये 5 मिनट्स का एक्सरसाइज अभी आप करें, आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा कीजिए। मैं एक टाइमर लगा लेता हूँ और आप लोग भी मेरे साथ बैठकर कीजिएगा, और इसे करकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, पैसे के प्रति अच्छे भाव पैदा होंगे, इससे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी और आप ये अगले 30 डेज तक करेंगे। फिलहाल 5 मिनट्स मेरे साथ कीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कीजिए और बोलना शुरू करें। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. सो इस तरीके से आप ये होपोनोपोनो प्रेयर डेली 5 मिनट्स करके अगले 30 डेज में अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने अंदर की सारी ब्लॉकेजेस दूर कर पैसों को पूरी तरह से अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं. मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ. मनी ब्लॉकेजेस परमानेंट नहीं है, ये आपकी सोच है और इसे चेंज करके आप अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हो और ऑफकोर्स अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हो. होपोनोपोनो बहुत ही सिंपल बट पावरफुल टूल है जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर अपने लाइफ में हर प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो. और आज के दिन हमने जब प्रेयर किया मनी को लेकर, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मनी की ब्लॉकेजेस भी दूर होगी. तो इसे आप आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करें. और अगर आपने पहले भी इसे प्रैक्टिस किया है, अपनी लाइफ से कोई प्रॉब्लम दूर किया है, मनी ब्लॉकेजेस दूर हुए हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कितने दिन तक किया और कितने दिन में आपको उसका चमत्कारी लाभ मिला. मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, अगले 30 दिन तक इसे जरूर करें. और जब भी आपको लाभ हो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इससे क्या क्या फायदा हुआ. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. सो मैं आपको अगले वीडियो मिलता हूं. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.